जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जुगत वेद पुन पाहि रामचरित बरतागे पहि रहि सज्जन बिमल शोभायति अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हर हर महादेव की जय। ते जन में कल काल कराला करतब बायस बीस मराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी धिग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जाओ अपने अव गुण सब कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। ताते में अति अलप बखाने थोड़े महो जन है सयाने। समुझी विविध विधि बिनती मोरी को न कथा सुनी दे है खोरी। एते हो पर कर ही जे अशंका मोही ते अधिक ते जड़ मति रंका। कवि न हो नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरे निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही कहो तो लेके ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जय सिया राम जय जय सिया रामा। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अर्थात वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धीगा धीगी करने वाले धर्म ध्वजी अर्थात धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगी। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर
दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपने बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। आगामी कथा से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।